नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का तेजी से उभरता हुआ चैनल द वंदे भारत। हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सोनीपत में पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में पति पत्नी और उनका तीसरा साथी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रवि वरिंदरदीप कौर और कड़ब के रूप में हुई है। रवि और वरिंदरदीप कौर पति पत्नी है, जबकि कड़ब उसका तीसरा साथी है। आरोपी पति पत्नी पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हैं, जबकि उनका तीसरा साथी जालंधर का है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक तीनों आरोपी फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में आतंकी संगठन के संपर्क में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस से सोनीपत पुलिस को इनपुट मिला था कि जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार निजी वाहन से सोनीपत से गुजरेंगे। सोनीपत पुलिस को 3 संदिग्ध की पहचान के लिए फोटो उपलब्ध कराए गए थे, जिसके बाद सोनीपत पुलिस हरकत में आ गई और गन्नौर मुरथल के बीच नाका लगाकर निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच रविवार देर रात कार से एक महिला और 2 युवकों को आता देख पुलिस ने उन्हें रोकने के बाद हिरासत में ले लिया। रवि, उसकी पत्नी वरिंदरदीप कौर और उसके साथी कड़प की जब तलाशी ली गई तो इनके पास से फतेहाबाद में तैयार किया गया फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ। इसकी सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP संदीप भट्ट अपनी टीम के साथ सोनीपत पहुंचे, जिसके बाद रात को तीनों आरोपियों को मुरथल थाने में रखा गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तीनों को पुलिस जम्मू कश्मीर लेकर रवाना हो गई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।